1 मिनट। लेकिन समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन जो ना इस तरह का एक पैटर्न अडॉप्ट करती हैं, व्हिच इज कॉल्ड रेड शर्ट पैटर्न। पैटर्न ठीक है, अब इस रेड शर्ट पैटर्न के अंदर होता यह है कि हमारे पास एक पिक्चर जो नजर आ रही है आपको, इसके अंदर देखें कि आपको नजर आ रहा होगा कि अर्निंग्स जो है ना वो वॉलेटाइल है। ठीक है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, लेकिन जो डिविडेंड है वो डिविडेंड इंक्रीज। अर्निंग्स के नीचे है और वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्निंग बहुत ज्यादा हुई, लाइक अर्निंग फॉर एग्जांपल अगर यहां पहुंची, यहां अर्निंग्स आई, इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा, अर्निंग्स अर्निंग्स जब यहां आई ना इसके ऊपर, तो डिविडेंड जो है वो उतना ही रहा जितना लास्ट टाइम था या उससे ज्यादा था। तो इसमें ऐसा फील हो रहा है कि हम अर्निंग के साथ साथ नहीं चल रहे बल्कि अर्निंग के पीछे चल रहे हैं। तो डिविडेंड अर्निंग के हमेशा पीछे रहेगा। अगर अर्निंग किसी तरह से बहुत ज्यादा भी बढ़ जाती है तो हम डिविडेंड अब नॉर्मली हाई नहीं करेंगे। सही। सिमिलरली ऐसा हुआ कि जब अर्निंग में एक डिप आया और अर्निंग बहुत ज्यादा नीचे गिर गई लाइक दिस, ये पीरियड, तो हमने अपना डिविडेंड पीरियड कट नहीं किया। इसका हम फायदा ये इंक्रीज इसका स्लाइट इसका इंक्रीज फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जो एक बैड न्यूज जाती थी, जो सिग्नलिंग इफेक्ट होता था, वो सिग्नलिंग इफेक्ट खत्म हो गया कि हम डिविडेंड कट करेंगे तो राइट नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, उससे बच गए हम। ठीक है, दूसरा राइट ये है कि जब हम एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी लेके चल रहे हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टर की टैक्स पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्वेस्टर कभी नहीं चाहते कि उनकी इनकम बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो ताकि उनकी टैक्स लाइबिलिटी जो है ना फ्लक्चुएट हो। तो जब एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी चल रही होगी तो इन्वेस्टर की जो टैक्स लायबिलिटी होगी ना वो भी मेंटेन रहेगी। अब एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब अर्निंग्स डिविडेंड जब अर्निंग्स बहुत ज्यादा गिर गई तो कंपनी ने डिविडेंड कहाँ से पे किया? तो इस पॉलिसी के अंदर जब अर्निंग्स डिविडेंड से ज्यादा होती है तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम उन अर्निंग्स को रिटेन कर रहे होते हैं। तो रिटेन अगर फ्यूचर में हमारी अर्निंग्स कम भी हो जाए ना, तो हम रिटेन रिटेन अमाउंट में से उठा के डिविडेंड पे कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग में से डिविडेंड पे कर सकते हैं। सही, होता तो ये हमारा डिविडेंड वाली डिस्कशन तो हो गई कंप्लीट, जिसके अंदर हमने सारी डिविडेंड पॉलिसीज फैक्टर्स वगैरह ये सारी चीजें हमने पूरा चैप्टर जो है ना यहाँ से निपटा दिया। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर दो चीजें और डिस्कस हुई हुई है, एंड दैट इज कॉल्ड, वन इज स्क्रिप्ट डिविडेंड और अदर इज शेयर रीपरचेज एग्रीमेंट या शेयर रीपरचेज। सही है, सो लेट्स डिस्कस के स्क्रिप्ट डिविडेंड क्या होता है और अगर कंपनी के पास डिविडेंड देने के लिए कैश खत्म हो जाए, या कंपनी के पास कैश है तो लेकिन कंपनी कैश को प्रिजर्व करना चाह रही है, तो क्या कंपनी ऐसा कुछ करे कि शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाइड हो जाए और उसका कैश भी प्रिजर्व हो जाए। सही, अच्छा सर, ये जो भी आपने थ्योरी बताई है रेचर्ड की, इसमें बेसिकली पॉइंट ये है कि आपकी अर्निंग्स अगर बढ़ रही हो तो मतलब आपको शुरू में जब इनिशियली आप अपना डिविडेंड स्टार्ट करेंगे तो वो आप इतना मतलब लो प्राइस से स्टार्ट करेंगे वो इन्वेस्टर को ये लगे कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। राइट यानी कि इसका मतलब आसान अल्फाज में है कि आप शेयर होल्डर के दिमाग खराब ना करें। ओके जैसे ऐसे कहा जाता है बस ना आप कि, उनको हाँ कहा जाता है कि जैसे बच्चों को फॉर एग्जांपल आप इतना ना दें कि बुरा वक्त आए तो वो सरवाइव ना कर सके, तो आप उनको ग्रेजुअली देते रहे चीजें ताकि उनको पता हो कि यार फॉर एग्जाम्पल कोई लिमिट क्या है। इसी तरह शेयर होल्डर्स को जो ना अगर आप एबनॉर्मली बहुत ज्यादा डिविडेंड देंगे तो बाद में जब नहीं मिलेगा तो वो चिल्लाएंगे कि जी लास्ट टाइम तो इतना ज्यादा लाएंगे। दिया था। इसलिए कंसिस्टेंसी पे फोकस किया जाता है ओके और कंसिस्टेंसी के रीजंस भी बहुत सारे होते हैं। कंसिस्टेंसी से अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, टैक्स पोजीशन बेहतर हो जाती है, इसलिए कंसिस्टेंट डिविडेंड सबको पसंद आता है। ओके सर, सही है, चलो आगे बढ़े। अच्छा यस सर, जी, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डिविडेंड को बोनस इशू भी कह सकते हैं, स्क्रिप्ट इशू भी कह सकते हैं, और यहां पर हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की जगह शेयर्स ऑफर कर देते हैं। यानी कि इफ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ एनी कंपनी,
तो हम आपको कैश डिविडेंड देने की जगह नए शेयर्स दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सही है? इसलिए लोग इसको बोनस शेयर्स भी कह देते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है? ये स्ट्रेटेजी कंपनी के लिए उस वक्त यूजफुल हो सकती है जब कंपनी कैश रिटेन कर रही हो और कैश को रिटेन करके री इन्वेस्ट करने का प्लान हो, सही है? अब नॉर्मली क्या होता है, अगर हम कैश डिविडेंड की फॉर्म में पे कर दें तो हमें नए शेयर्स मार्केट में इशू करने पड़ेंगे, वहां से पैसा रेस करना पड़ेगा, डिफिकल्ट प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसका फायदा ये होगा कि शेयर होल्डर्स को शेयर्स भी मिल जाएंगे और हमारे हाथ में जल्दी पैसा अपना ही रहेगा, रिटेंशन रहेगी, तो हमें रेस भी नहीं करना पड़ेगा। Okay. अच्छा, कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसा होता है कि डिविडेंड तो टैक्सेबल होता है, बोनस शेयर्स टैक्सेबल नहीं होते। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी बोनस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड के मुकाबले में, ये कैपिटल गेन के मुकाबले में बहुत नॉमिनल सा टैक्स है। तो बोनस शेयर्स का एक फायदा ऑब्वियस ये है कि जो इन्वेस्टर होगा ना, उसको शेयर्स के ऊपर हो सकता है टैक्स ना देना पड़े, और अगर देना भी पड़ेगा तो कंपैरेटिवली कम टैक्स देना पड़ेगा कैश डिविडेंड के मुकाबले में। ठीक है, टाइम्स अप के तरह से आपको टैक्स बेनिफिट हो रहा है जी। ओके, अच्छा, अब ये होता है क्या, कभी बैलेंस शीट देखिए तो बैलेंस शीट में क्या होता है, कैपिटल के बाद प्रीमियम फिर रिजर्व्स रखे हुए होते हैं। yes. तो बाज दफा क्या होता है कि कैपिटल कम होता है, रिजर्व्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिजर्व एक्यूमुलेट होते हुए आ रहे होते हैं, पिछले सालों से जमा होते हुए आ रहे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि रिजर्व्स और कैपिटल के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट हो। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर लेती है। ओके, रिजर्व्स को कैपिटलाइज करना का मतलब ये होता है कि रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर देना। ये कब किया जाता है, जब आपके पास एक्सेस रिजर्व्स रखे हुए हो, जैसे उसकी एंट्रीज भी कभी बनाई जाती है तो उसकी एंट्री होती है शेयर प्रीमियम को डेबिट कर देती है, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देती है। तो यहाँ पर वो भी अफेक्ट दिखा हुआ है कि अगर हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, हमारा जो रिजर्व्स होते हैं प्रीमियम कम हो जाता है और कैपिटल हमारा इंक्रीज हो जाता है। यस, सही है। द डिसएडवांटेजेस टू शेयर होल्डर इज दैट अनलाइक रिजर्व्स, शेयर कैपिटल इज नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल इन द फ्यूचर। अच्छा, जैसे रिजर्व्स हैं, फॉर एग्जांपल, अगर रिजर्व्स एक मिनट अजान हो जाए फिर डिस्कस करें। yes. तो अब शेयर होल्डर का अल्टीमेटली इसमें कुछ फायदे भी होते होंगे स्क्रिप डिविडेंड लेने में एज कम्पेयर टू कैश डिविडेंड, और कुछ नुकसान भी होते होंगे, सही? yes. अगर कैश डिविडेंड उन्हें डायरेक्टली मिलता है तो डिविडेंड टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन अगर उन्हें स्क्रिप डिविडेंड मिलता है तो स्क्रिप डिविडेंड उस वक्त तक टैक्सेबल नहीं होगा जब तक वो शेयर्स आगे बेचेंगे नहीं, सही है? तो ऑब्वियस एडवांटेज उनको ये हो जाता है, ठीक है? दूसरा ये होता है कि अगर उन्हें शेयर्स मिलते हैं और अगर मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है तो उनके पास एक अच्छा कैपिटल गेन जमा हो जाता है। सिमिलरली अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होता है शेयर होल्डर्स को, कि ये जो कैपिटलाइज हुए ना रिजर्व्स, ये अब कैपिटल बन गया। तो अगर रिजर्व थे तो रिजर्व जो होते हैं अगर वो रिटेन अर्निंग की फॉर्म में होते हैं तो डिविडेंड दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो रिजर्व किसी और फॉर्म में हो, लाइक प्रीमियम की फॉर्म में हो या उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो अब उसमें से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। एक तो ये नुकसान होगा, दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि जब भी बोनस इशू होता है या स्क्रिप डिविडेंड होता है तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं ना। यस सर, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने की वजह से ईपीएस पे क्या फर्क पड़ता है, EPS गिर जाती है, ठीक है? अच्छा, थ्योरेटिकली ना, थ्योरेटिकली क्या होता है कि वेल्थ बिफोर एंड वेल्थ आफ्टर हमेशा मेंटेन रहती है। थ्योरेटिकली वेल्थ बिफोर एंड वेल्थ आफ्टर और वेल्थ आफ्टर, मसलन इसका मतलब ये होगा कि अगर रिजर्व्स बढ़ जाएंगे तो हमारा कैपिटल बढ़ रहा होगा, शेयर्स पे इम्पैक्ट आ जाएगा, तो अल्टीमेटली मतलब इस तरह से देख, इसको इस तरह से देख लेते हैं कि एक शख्स के पास 1000 शेयर्स थे और करंट मार्केट प्राइस चल रही थी
5 ईच. कंपनी ने स्क्रिप डिविडेंड अनाउंस किया और वो स्क्रिप डिविडेंड था 1 for every 5 बोनस शेयर्स. सही है. तो वेल्थ बिफोर बोनस कितनी होगी? वन थाउजेंड शेयर्स थे. 5 एक की प्राइस थी, तो ये 5000 की वर्थ के शेयर्स मौजूद थे, ये वेल्थ थी उसकी. सही है. सही है. थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि वेल्थ आफ्टर भी क्या होगी, यही रहेगी. आफ्टर यही रहेगी, बढ़ेगी या कम नहीं होगी, सेम रहेगी. अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए उसके पास? 1 for every 5 है ना, तो फिर बढ़ जाएंगे. 200 शेयर्स मिले उसे न्यू. तो अब उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1200 हो गए. सही है. अब 1200 शेयर्स की वर्थ 5000 ही होनी चाहिए, तो शेयर प्राइस गिरेगी. ओके. तो 5000 को 1200 से डिवाइड करें. फोर पॉइंट वन सिक्स. सही है. तो क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े, शेयर प्राइस गिरी, वेल्थ कांस्टेंट. तो इम्पैक्ट इसका सर ऐसा क्यों जरूरी है? कि हमारी शेयर प्राइस नंबर ऑफ, जब हमारे शेयर इंक्रीज होंगे तो वो हर हाल में गिरेगी, मतलब इसकी क्या लॉजिक? क्योंकि इन्वेस्टर जो ना वो इनडिफरेंट होता है कैश डिविडेंड में और बोनस डिविडेंड में. ये थ्योरेटिकली अजम्पशन ली जाती है कि इन्वेस्टर इज इनडिफरेंट बिटवीन कैश डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स. क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो वो कभी भी स्क्रिप डिविडेंड के ऊपर नहीं जाएगा, वो हमेशा कैश डिविडेंड मांगेगा. कैश डिविडेंड मांगेगा, उसकी प्रायोरिटी नहीं होती. वो कहता है दोनों मेरे लिए, हम अजम्पशन लेते हैं कि दोनों उसके लिए एक जैसे ही हैं. लेकिन ये थ्योरेटिकल अजम्पशन है ना, ठीक है, थ्योरी में. लेकिन प्रैक्टिकली तो सर, प्रैक्टिकली तो दुनिया में कोई नहीं बता सकता स्टॉक मार्केट में क्या बता सकता कि हाँ कि क्या प्राइस कितनी रहेगी या क्या. लेकिन हम फाइनेंस में जब भी स्क्रिप डिविडेंड के बाद शेयर प्राइस या वेल्थ की बात करते हैं ना, तो शेयर प्राइस हमें कैलकुलेट करनी हो तो शेयर प्राइस कैलकुलेट करने का हमेशा यही मैकेनिज्म होगा इनडायरेक्ट, जो मैंने यहाँ से निकाला. यानी कि वेल्थ कॉन्स्टेंट की अजम्पशन रखेंगे, नए नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा. ओके. तो इसके इम्पैक्ट नोट कर ले, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े, ईपीएस डाइल्यूट हुई, शेयर प्राइस गिर जाएगी. तो अंडरस्टूड बात है कि जब ईपीएस गिरती है तो शेयर प्राइस गिरती है. ये तो यहाँ से भी थ्योरेटिकली प्रूव हो जाता है कि ईपीएस गिरेगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगी कैसे, राइट? अच्छा, इसके पीछे ना एक मैकेनिज्म और है. वो मैकेनिज्म क्या है कि आपको कभी शेयर प्राइस निकालनी हो, दी भी ना हो फाइनेंस के अंदर, तो वो होता है ईपीएस मल्टीप्लाई बाय प्राइस टू अर्निंग रेशियो. ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है? Yes. हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये जो है कांस्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी चेंज नहीं होता. तो अगर ये कांस्टेंट की अजम्पशन ले लें तो जब ये फॉल होगा तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जब शेयर प्राइस फॉल होगी तो ईपीएस तो फॉल होगा. जब ईपीएस गिरेगा तो प्राइस, शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो वो तो कांस्टेंट ही है ना शेयर प्राइस. मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताई, शेयर प्राइस गिरेगी. तो अल्टीमेटली यहाँ से प्रूफ भी होता है ना थ्योरेटिकली, ईपीएस गिरी, पी रेशो की कांस्टेंट की अजम्पशन है. तो अगर ईपीएस गिरी तो शेयर प्राइस इज अ मल्टीपल ऑफ ईपीएस इनटू पी, मल्टीपल ऑफ, तो शेयर प्राइस बढ़ कैसे सकती है और कांस्टेंट कैसे रह सकती है? सही है. पी रेशो एंड कांस्टेंट, इस टेक्निक्स के जरिए इसको घुमा फिरा के जो है ना वो लेकर आया जाता है. ओके. सही है. सो दोबारा हम सब चलते हैं. In addition, both share price and earning per share are likely to be fall due to the greater number of shares. Although the overall value of each shareholder's shares and share in future earning should theoretically remains unchanged. Theoretically will remain unchanged. Unchanged. सही है? Yes, sir.
अच्छा जी, तो इसमें ये पता होना चाहिए कि फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स को फायदे भी हो रहे हैं, शेयर होल्डर्स को नुकसान भी हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमें दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि स्क्रिप्ट डिविडेंड से फायदा क्या होता है और स्क्रिप्ट डिविडेंड से नुकसान क्या होता है, सही है? ओके। टैक्स ट्रीटमेंट एक चीज है जिसकी बेसिस के ऊपर प्रैक्टिकली जो है ना इन्वेस्टर बाज़ दफा ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं, जब ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं तो शेयर प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब शेयर प्राइस बढ़ती है ना वो एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे बढ़ती है। अगर शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन हो और कंपनी कैश डिविडेंड देने के बजाय स्टॉक डिविडेंड दे दे, स्टॉक डिविडेंड इसको ही कहते हैं स्क्रिप इशू को, तो फिर अल्टीमेटली प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये से मैं रियलिटी की बात बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली तो हम अपनी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हमेशा एक जैसी रहेगी कि जब भी स्क्रिप डिविडेंड होगा शेयर प्राइस विल फॉल, वेल्थ विल मेंटेन, वेल्थ सेम रहेगी, शेयर प्राइस गिरेगी, ये मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। और एग्जामिनर कभी प्रैक्टिकली नहीं पूछता, एग्जामिनर हमेशा थ्योरी का पूछता है, राइट? ठीक है, यस सर। अच्छा भाई, नेक्स्ट चीज इसके अंदर है, लास्ट जो डिस्कशन इस चैप्टर में, शेयर रीपर्चेस। ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर्स खुद क्यों खरीदती है? ताकि प्राइस डाइल्यूशन ना हो। होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अपने शेयर्स, स्टॉक मार्केट के अंदर एक कंपनी ट्रेड हो रही है, कंपनी के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, तो कंपनी ने अपने शेयर्स बायबैक क्यों कर लिए? हमारे यहाँ यूनिलीवर ने कुछ साल पहले अपने शेयर्स बायबैक किए थे और उसके बाद यूनिलीवर स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो गई थी, यानी कि यूनिलीवर जो स्टॉक मार्केट में यूनिलीवर के शेयर्स ट्रेड हो रहे थे, यूनिलीवर वाज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो यूनिलीवर ने अपने आप को स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट करवा ली। सवाल ये पैदा होता है क्यों क्यों डीलिस्ट करवाया? मतलब आप ट्रेड नहीं होते यूनिलीवर के शेयर्स, यूनिलीवर ऐसा क्यों किया? यूनिलीवर इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, लेकिन यूनिलीवर के जो शेयर्स है वो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं हो रहे, सुबह शाम ट्रेडिंग रुक गई है उसके अंदर, अब एक पब्लिक लिस्टेड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी बन गई। ओके, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया उसने, ठीक है, और कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है तो क्या रीजंस होते हैं उसके पीछे? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमें ये पता है कि आप बायबैक उसी वक्त करते हैं जब आपके पास सरप्लस कैश जमा हो जाता है। अब okay. जब सरप्लस कैश जमा होता है तो आपके माइंड में सवाल आता है कि वेयर टू यूटिलाइज, इन्वेस्ट करें कहां, कहां यूटिलाइज करें उस शेयर्स को, तो आपके पास दो ऑप्शन सामने आते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा सरप्लस कैश जमा हो गया है तो उसे उठाकर शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए एज अ डिविडेंड, अगर बहुत ज्यादा जमा हो गया है तो, सही है। दूसरी चीज जो माइंड में आती है कि यार अगर उनको डिविडेंड बहुत ज्यादा दे देंगे तो शेयर होल्डर्स जो ना वो बाद में चिल्लाएंगे फ्यूचर में, इससे बेहतर ये है कि हम अपने कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं ताकि लेस नंबर ऑफ शेयर्स होंगे तो डिविडेंड देने का बर्डन भी कम रहेगा। नंबर ऑफ शेयर्स अपने रीपर्चेस करेंगे सर, दोबारा रिपीट करेगा इस बात को अपनी। मार्केट में अगर नंबर ऑफ शेयर्स में ट्रेडिंग ही कम हो रही होगी क्योंकि कंपनी अपने खुद कुछ शेयर्स खुद ले लेंगे, अगर मार्केट के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे तो ट्रेडिंग भी कम होगी अल्टीमेटली, और ट्रेडिंग कम होने का एक फायदा कंपनी को थोड़ी देर में बताता हूँ क्या होता है। ओके, सही है। तो अभी सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कैश सरप्लस जमा हो रहा है तो फिर उस कैश सरप्लस का यूटिलाइजेशन क्या है कि आप उस कैश सरप्लस से अपने शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। तो यहां मेंशन किया हुआ है अ शेयर रीपर्चेज कैन बी यूज्ड टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स, उनसे शेयर्स रीपर्चेज कर लें, कैश उनके हाथ में चला जाएगा और आपके हाथ में शेयर्स आ जाएंगे, ठीक। कंपनी जो शेयर्स बायबैक करती है ना उसको कंपनी चाहे तो फ्यूचर में री इशू कर सकती, जब जरूरत पड़ेगी दोबारा इशू कर देगी। चाहिए? अच्छा, अब एक सवाल ये जहन में आता है कि अगर कंपनी के पास कैश था तो उसने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, नए प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लगाए? हाँ सर, मेरे भी यही आ रहा था कि अगर एक्सेस आपके पास, उसका जवाब ये है कि कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल ही नहीं होगा, कहाँ पैसा लगाए। तो कंपनी ने ये समझा कि वो शेयर होल्डर्स को कैश रिटर्न कर दे,
जब शेयर होल्डर्स को कैश रिटर्न करने की बात आई तो सवाल ये आया डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न करें या शेयर रिपर्चेस करें। अच्छा सही है। ओके अच्छा फिर ये सवाल पैदा होता है कि शेयर रिपर्चेस और वन ऑफ लार्ज डिविडेंड विच इज गुड, क्या करना चाहिए? शेयर रिपर्चेस क्योंकि वन ऑफ लार्ज डिविडेंड का भी नुकसान है, पर डिविडेंड आप इतना दे दोगे तो फिर आप शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस नेक्स्ट उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो उस पे आपका फिर मतलब प्राइस पे भी फर्क पड़ेगा सर फिर। आप देखें यहाँ क्या लिखा हुआ, एज एन ऑल्टरनेटिव टू अ शेयर रिपर्चेस अ कंपनी मे डिसाइड टू यूज अ वन ऑफ लार्ज डिविडेंड टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स, ये पॉसिबिलिटी तो है। If all shareholders agree to repurchase, पहली बात है वो agree क्यों होंगे? अगर मैंने एक company के shares खरीदे हुए, तो उस shares की वजह से मेरे पास ownership आई हुई है। अब अगर company कहती है कि shares वापस करो, तो मैं तो वापस नहीं करूंगा। तो company क्या करती है? Company shareholders को लालच देती है कि हम आपको large premium देंगे। सही है? Market में 10 रुपए का share चल रहा है, आप एक काम करें 15 रुपए ले लें, हमसे वापस कर दें हमारे शेयर। तो लार्ज प्रीमियम के चक्कर में shareholders वापस कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं फ्यूचर में कैपिटल गेन पता नहीं हो ना हो, अनसर्टेनिटी हो, आज तो हो रहा है, तो अगर आज कैपिटल गेन हो रहा है तो अल्टीमेटली जो ना वो जल्दी से कैपिटल गेन करके क्विट करें। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, वाकई हो सकता है। सो इफ ऑल शेयर होल्डर्स एग्री टू रीपर्चेज बोथ अ शेयर रीपर्चेज एंड वन ऑफ लार्ज डिविडेंड हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन कैश, कैश पे क्या फर्क पड़ेगा? कैश तो हम डिविडेंड में भी दी शेयर होल्डर्स को वापस करेंगे, रीपर्चेस करेंगे तब भी कैश देना पड़ेगा, बात एक ही है। गियरिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? जब भी हम शेयर्स बायबैक करेंगे या कैश देंगे तो अल्टीमेटली अगर हम कैश देते हैं तो रिटेन अर्निंग कम होगी। यस सर। और अगर हम शेयर रीपर्चेस करते हैं तो इक्विटी कम हो जाएगी। दोनों केसेस के अंदर हमारी जो इक्विटी साइड है वो इक्विटी साइड कम होगी। लेकिन सर रीपर्चेस करने में इक्विटी क्यों कम होगी? रीपर्चेस तो दोबारा उसके पास इन द फॉर्म ऑफ शेयर मार्केट से उठा लिए ना हमने शेयर्स, मार्केट से तो हमने शेयर्स खरीद लिए, तो इक्विटी जो मार्केट के अंदर मौजूद थी वो कम हो गई, अकाउंट्स वगैरह के अंदर भी इक्विटी कम हो जाएगी। तो जब इक्विटी कम होनी है दोनों केसेस में, तो जब इक्विटी कम होती है तो गियरिंग रेशियो में हमने फॉर्मूला रखा है डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो जब इक्विटी कम होगी तो गियरिंग बढ़ जाएगी। तो हमारे लिए गियरिंग का बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है? समटाइम्स अच्छा होता है समटाइम्स बुरा होता है। समटाइम्स अच्छा होता है। तब गियरिंग बढ़ जाएगी। अच्छा गियरिंग का ताल्लुक होता है फाइनेंशियल रिस्क के साथ, फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाएगा। और हमने मॉडिग्लियानी एंड मिलर और ट्रेडिशनल थ्योरी में पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेट के साथ कनेक्ट होती है, अगर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ती है। अभी एक बड़ा जबरदस्त रिलेशनशिप दिया हुआ है कि कंपनी डिविडेंड दे या शेयर रीपर्चेस कर ले, कैश पे क्या फर्क पड़ेगा? कैश कम हो जाएगा। गियरिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? गियरिंग बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाएगी। सही है। फिर सवाल पैदा होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो गियरिंग की वजह से कम होना चाहिए। कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपकी गियरिंग रेशियो कैसी है, ऑप्टिमम से पीछे है ऑप्टिमम के बाद है। अगर हम मॉडिग्लियानी एंड मिलर की आफ्टर टैक्स थ्योरी को फॉलो करें तो गियरिंग बढ़ने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरती है। राइट। अगर हम ट्रेडिशनल थ्योरी को फॉलो करें वो कहता है कभी गिरती है कभी बढ़ती है, कभी गिरती है कभी। हाँ ओके ठीक है, पॉइंट क्लियर है? यस सर। ऑल्दो द इंपैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वैल्यू इज द सेम फॉर एनी इंडिविजुअल शेयर होल्डर, द इंपैक्ट ऑन द प्राइस पर शेयर विल डिफर। A dividend result in a lower share price as the number of shares remain the same, but a share repurchase is unlikely to affect the individual share price, but only the number of shares in issue. जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था स्क्रिप डिविडेंड के बारे में, क्या बताया था कि स्क्रिप डिविडेंड जब भी होगा वैल्यू सेम रहेगी प्राइस गिर जाएगी,
यस सर, इसी तरह मतलब वेल्थ वेल्थ हमारी सेम रहेगी। हाँ, इसी तरह हम एज्यूम करते हैं, हमारी अजम्पशन होती है जब शेयर रिपर्चेस किया जाएगा तब भी क्या होगा, वेल्थ मेंटेन रहेगी, लेकिन क्या होगा शेयर प्राइस के ऊपर जो है ना वो अफेक्ट पड़ेगा, शेयर प्राइस चेंज हो जाएगी। सही है, शेयर प्राइस लाइकली टू हमारी फॉल होगी या फिर इंक्रीज भी हो, बढ़नी चाहिए, इंक्रीज भी हो सकती है ना। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि अगर हम जब वेल्थ की बात करें तो नंबर मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस इज इक्वल टू वेल्थ। अगर वेल्थ मेंटेन रखनी है तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स गिर गए तो शेयर प्राइस क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। सही, ओके, तो कांस्टेंट की अजम्पशन जो है ना वेल्थ की रहेगी, शेयर प्राइस उस कांस्टेंट की अजम्पशन के बाद डिपेंड करता है कि उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, लेकिन थियोरेटिकली बढ़नी चाहिए। अच्छा, अब ये डिस्कशन होती है कि वन ऑफ ज्यादा अच्छा है या शेयर रिपर्चेस ज्यादा अच्छा है, तो नॉर्मली वन ऑफ को डिस्करेज किया जाता है, उसी लॉजिक से डिस्करेज किया जाता है कि शेयर होल्डर्स का दिमाग खराब हो जाएगा, फिर वो कल दोबारा डिमांड करेगा, इसलिए बेटर इज कि शेयर रिपर्चेस को यूज किया जाए रादर देन वन ऑफ डिविडेंड को यूज किया जाए। अब इसके कुछ फायदे यहां पे लिखे हैं, जो शेयर रिपर्चेस होता है ना वो एक ऑप्शन दिया जाता है, कंपलसरी नहीं होता, तो इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन होगा, इन्वेस्टर चाहे तो वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टर चाहे तो मना कर दे, इसका मतलब है लिबर्टी होगी इन्वेस्टर के पास, कंपल्शन नहीं होगी। हाँ, अगर हम डिविडेंड देते हैं तो वो मना नहीं कर सकते, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। तो डिविडेंड के मुकाबले में कंपैरेटिवली शेयर रिपर्चेस उनके पास चॉइस होगी, वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, डिविडेंड जो है उनके ऊपर मुसल्लत किया जाता है। सर ये कंट्रोल पर्पस के लिए नहीं, मतलब कंपनी कभी कभी अपने शेयर्स रिपर्चेज करती है कि जैसे अगर बहुत ज्यादा मार्केट में उसके शेयर्स की डाइल्यूशन होने लगे, या तो आप कंपनी चाहती है कि उस कंट्रोल फैक्टर्स की वजह से कि उसके ही अपने शेयर होल्डर्स उसको रिपर्चेज कर लें। एक रीजन होता है जो इसके साथ जस्टिफाइबल होता है कि कंपनी को अगर ऐसा लगता है, जो मर्जर्स में पड़ेंगे, कंपनी को अगर ऐसा लगता है कि कोई उसे टेक ओवर कर लेगा, हाँ, और स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स अवेलेबल हैं, अगर कोई शेयर्स खरीद लेता है तो वो टेक ओवर कर लेगा कंपनी को, तो कंपनी अपने शेयर्स बायबैक इसलिए कर लेती है ताकि टेक ओवर करने का मौका ही ना मिले। हाँ, मतलब मेरे ऐसे माइंड में आई कि कंट्रोल फैक्टर्स भी तो होते हैं ना कंपनी के कभी कभी, ये भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो हम फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं सरप्लस कैश आया हुआ है, सरप्लस कैश, तो उसके अगेंस्ट क्या किया जाए, उसको किस तरह यूटिलाइज किया जाए। बिल्कुल, अगर हम शेयर रीपर्चेज करते हैं तो ये फॉल्स डिविडेंड सिग्नल नहीं देता, अगर हम वन ऑफ लार्ज डिविडेंड दे देंगे तो ये फॉल्स डिविडेंड सिग्नल देगा, yes, जिससे शेयर होल्डर्स पैनिक हो जाएंगे, उन्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, फ्यूचर में से ज्यादा डिमांड कर सकते हैं प्राइस हाई। तो अब इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि शेयर रीपर्चेज के इम्पैक्ट क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि हमारी गियरिंग बढ़ रही है, ये ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा, शेयर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो ईपीएस भी इंक्रीज होगी सर। ईपीएस का ताल्लुक तो नंबर से होता है, शेयर प्राइस से नहीं होता, नंबर ऑफ शेयर से होता, नंबर ऑफ शेयर्स, हां सर, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो रहे हैं बायबैक के अंदर, नंबर, अच्छा बायबैक के अंदर, ओके, रिपर्चेस में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो रहे हैं तो ईपीएस बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जैसे आपने कहा था ना कि प्राइस से भी तो होता है ना, अगर जैसे हमने वेल्थ वाली चीज डिस्कस करी थी तो आपने कहा था कि अगर सेलिंग शेयर प्राइस, वो भी हम ईपीएस से कनेक्ट कर रहे हैं, वो भी हम शेयर प्राइस से कनेक्ट कर रहे हैं, पहले प्राइस नहीं होती, पहले ईपीएस आती है, पहले अभी स्क्रिप्ट डिविडेंड में बात की थी कि ईपीएस गिरती है तो शेयर प्राइस गिरती है, तो ईपीएस बढ़ेगी तो शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेगी, राइट, दे हैव लाइक सेम डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स का इनका इनडायरेक्ट रिलेशन। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 100,000,
और उसके नंबर ऑफ शेयर्स थे 100,000, सही। कंपनी ने 10% शेयर्स बायबैक कर लिए, यानी कि 10,000 शेयर्स कंपनी ने बायबैक कर लिए, सही है। एज्यूमिंग प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ईपीएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो प्रीवियसली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? वो तो 100,000 ही रहेगा ना। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे प्रीवियसली? प्रीवियसली अच्छा, ये ईपीएस चल रही है। अब न्यू ईपीएस क्या होगी आफ्टर रीपर्चेस? प्रॉफिट उतना ही रहा, नंबर ऑफ शेयर्स पहले 1,00,000 थे, 10,000 हमने बायबैक कर लिए, बाकी कितने बचे? अब ईपीएस क्या होगी? तो ईपीएस हमारे पास आ जाएगी हाउ मच? 1.11 आ जाएगी, बड़ी। हम्म, सही है। थ्योरेटिकली ये प्रूव हो गया कि क्या होता है कि जब आपकी शेयर रीपर्चेज होते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं तो ईपीएस क्या होती है? बढ़ जाती है, और ईपीएस बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ेगी, क्योंकि वेल्थ मेंटेन का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप में यहां लिख देता हूं कि रीपर्चेज जब भी होगा तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे? रिड्यूस होंगे, एज ए रिजल्ट ईपीएस क्या होगी? ईपीएस बढ़ेगी, बढ़ेगी, शेयर प्राइस भी बढ़ेगी, बढ़ेगी। लेकिन लोग समझते हैं शेयर प्राइस बढ़ने से वेल्थ बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। वेल्थ क्या रहेगी? वेल्थ मेंटेन रहेगी थ्योरेटिकली। ओके, सही है। ओके, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या नजर आई हमें, गियरिंग बढ़ जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में वी आर नॉट श्योर कि क्या होगा, डिपेंड्स, सही है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट हमने क्या डिस्कस किया? नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, ईपीएस बढ़ जाएगी, सही है, शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, वेल्थ मेंटेन रहेगी। अब ये बुक में जो थ्योरी लिखी हुई होती है ना, ये दो लाइनों के अंदर सारी चीजें कवर हो गई, पूरा रिलेशनशिप। सर एक चीज थोड़ी सी वो हो रही है कि रीपर्चेस का जब हम वर्ड यूज करें शेयर रीपर्चेस, तो आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, ठीक है, उससे शेयर्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि ये कैपिटल की उसकी वजह से हो रहा है ना, कि जैसे हम अपना कैपिटल जैसे वो कर रहे हैं, कैपिटल निकल रहा है, इक्विटी हमारी कम हो रही है, इस वजह से जब एक कंपनी नए शेयर इशू करती है तो कंपनी अपने पास रिकॉर्ड करती है कि कैपिटल बढ़ गया, और वो शेयर्स हाँ। चले जाते हैं शेयर होल्डर्स के पास। सिमिलरली जब एक कंपनी अपने शेयर्स शेयर होल्डर से वापस मांगेगी तो शेयर होल्डर्स के पास से शेयर्स खत्म हो जाएंगे, और कंपनी की जो इक्विटी होगी अकाउंट्स के अंदर वो गिर जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कम कर देगी, कहेगी ये शेयर मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। ओके, ये ऐसे एग्जांपल है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ना 1 बिलियन के नोट इशू किए। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम 5,000 का नोट बंद कर, तो वो नोट खत्म हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे करेंसी नोट्स कम हो गए। इसी तरह एक कंपनी ने अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट किए, अगर कंपनी खुद वापस खरीद ले तो वो खत्म हो गए शेयर्स, जिसने इशू किए थे उसी के पास आ गए दोबारा, तो मार्केट से इक्विटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कंपनी अपने बुक्स में शेयर्स को की रिवर्स एंट्री पास करेगी, नंबर ऑफ शेयर्स कम कर देगी। सही सही है, यस सर।